उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल के कमिश्नर और महाराजगंज के नोडल अधिकारी जयंत नार्लिकर ने फरेंदा ब्लॉक के वनटगिया ग्राम सूरपार नर्सरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन सरकार की योजनाओं की हकीकत जानी और गांव में आने वाली समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए कमिश्नर ने जिले के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान गांव के आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, शौचालय, कन्या सुमंगला योजना, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना और खाद्य सुयोजना के लाभार्थियों से जनसंवाद किया, साथ ही उनकी समस्याओं को सुन त्वरित निदान के लिए निर्देशित भी किया। इसके बाद कमिश्नर सोनावली आदर्श नगर पंचायत के वार्ड नगर 5 माधवराम नगर में स्थित मिनी स्टेडियम और नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता के जांच के निर्देश दिए। कमिश्नर ने बताया कि जल्द ही सोनावली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण हो जाएगा, जिससे कई समस्याओं का निदान होगा और पारदर्शिता भी बनी रहे, इससे किसी तरह की चोरी या गलत कार्य भी नहीं हो पाएगा। नोडल अधिकारी के रूप में आज विजिट है, जिसमें कि हम ग्राम अंचल का विजिट करके देखते हैं कि विभिन्न योजनाओं का रूपायन कैसे हो रहा है और उसके अलावा जो विकास की योजनाएं हैं उनका भी, यदि कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं तो उनको भी देखा जाता है। और उसी के क्रम में हम नौतनवा में हम लोग हैं, यहाँ पर दो कार्य हैं, जो एक आपका पवेलियन और एक खेल का मैदान का जो निर्माण हुआ है वो, और ये एक PSC का जो है, तो प्रगति इसकी ठीक लग रही है, लेकिन गुणवत्ता की रिपोर्ट जो है एक निष्पक्ष कमेटी जो है वो उसकी जाँच करके बताएगी कि इसका कैसा क्वालिटी है। विजय चौरसिया, जनमत न्यूज़, महाराजगंज।